रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। मोहरम जुलूस की ड्रोन से निगरानी, जुलूस मार्ग का बदला रहेगा यातायात। कांवड़ यात्रा के लिए अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों को रोका गया। फ्लाईओवर पर उल्टा दौड़ा ओवरलोड ट्रक, दो की मौत। गाजियाबाद में सीमेंट भरे ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा, 8 घायल। वसूली के लिए आए नकली किन्नर, होटल में चोरी करते वीडियो में दिखे। असली किन्नर बोले, अब ढूंढ कर पीटेंगे। सीतापुर में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर दूर नदियां, गांवों के किनारे तक पहुंचा नदियों का पानी। सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीण कर रहे पलायन। मथुरा में झूला उत्सव, हरियाली तीज की तैयारियों में जुटा प्रशासन। झूले में विराजमान होंगे बांक बिहारी और रंगनाथ। करनैलगंज में बीच चौराहे युवक को बांधकर बंधक बनाया, बैटरी चोरी करने का लगा आरोप। दो समुदायों से जुड़ा है मामला। मिर्जापुर में प्रति घंटा 4 सेंटीमीटर बढ़ रही गंगा, गंगा किनारे बसे 493 गांवों को लेती है चपेट में, जिला प्रशासन सतर्क। बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे 28 ई रिक्शा सीज, ड्यूटी के दौरान होमगार्ड पर हुए हमले के बीच एक्शन में आई पुलिस। 1 करोड़ की धोखाधड़ी में दंपत्ति को अग्रिम जमानत, मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता रंजन मित्तल और पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा। शिव सावन महोत्सव में भजनों पर झूमे श्रद्धालु, कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल शिव मंदिर में आयोजन, लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। शाजापुर में ट्रक की टक्कर से 3 कांवड़िए घायल, जाम लगाकर तोड़फोड़ किया आरोपी, ट्रक ड्राइवर फरार। फिरोजाबाद के अस्पताल में प्रसूता की मौत पर तोड़फोड़, परिजन ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल छोड़कर भागा स्टाफ। जालौन में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने जालौन औरैया स्टेट हाईवे किया जाम, मुआवजा और ट्रक को पकड़ने की मांग। मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी है बदमाश कमर अली का कनेक्शन, 18 साल से मुंबई था ठिकाना, एसटीएफ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की कर रही पड़ताल। चंदौली के दिव्यांगों के लिए लगाया गया विशेष कैंप, पेंशन के लिए 7 और प्रमाण पत्र के लिए 18 आवेदन, अधिकारी बोले हर ब्लॉक में लगेंगे। रामपुर में सपा छोड़ युवकों ने थामा अपना दल का दामन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हमजा ने किया स्वागत। हरदोई में युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा चलाने का प्रयास, परिजनों ने मोहल्ले के लड़कों पर लगाया आरोप। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से टकराया सांड का ट्रेन, प्रभावित प्रयागराज से रवाना हुई थी ये ट्रेन, कौशाम्बी के भरवारी के पास हुआ हादसा। वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज, कुशीनगर के जिलाधिकारी भी अपने पद पर रहेंगे, ट्रांसफर ऑर्डर रद्द, रविंद्र कुमार को खाद्य रसद में तैनाती। जौनपुर में 3 फार्मासिस्ट के निलंबन की संस्तुति, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सीएमएस को लगाई लताड़, छापेमारी में प्राइवेट गोदाम में बरामद हुई थी सरकारी दवाई। ई रिक्शे में न बिठाने पर परिवार को पीटा, पीड़ित दलित ने एसपी से अगाड़ी जातियों के आरोपियों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। हाथरस में भाजपा सभासदों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की मांग, जांच की मांग की जमकर किनारेबाजी। बीजेपी एमएलए ने सीएम योगी को लिखा पत्र, शाहजहांपुर को सूखा घोषित कर किसानों को मुआवजा देने की मांग। बदायूं में जेई लाइनमैन पर लापरवाही का मुकदमा, फॉल्ट ठीक करते वक्त सप्लाई आने से प्राइवेट लाइनमैन की हुई थी मौत। अलीगढ़ सड़क हादसे में बसपा नेता की मौत, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। आगरा में कार से टक्कर पर रिक्शा चालक के पिटाई, पुलिस के सामने पीटा और चले गए, पास खड़े लोगों ने बनाया वीडियो। परिषदीय विद्यालयों में उधर की हांडी में पक रहा खाना, 3 महीने से नहीं मिला मध्य भोजन योजना का पैसा। कुशीनगर में विद्युत करंट की चपेट में आकर 4 घायल, अस्पताल में हुए भर्ती, दरवाजे पर पर्दे में लगे तार में उतरा था करंट।
पॉपुलर के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। 28 जुलाई को दो महिलाओं पर चाकुओं से किया था जानलेवा हमला, तभी से चल रहा फरार। हरदोई में 50,000 रुपए न देने पर पिता की हत्या, पहले बाजार से चाकू लेकर आया बेटा और फिर उसी से तीन बार गोद कर उतारा, मौत की घाट। अलीगढ़ में दहेज लोभी पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जान से मारने का किया प्रयास, महिला गंभीर रूप से घायल। अमेठी में शौच क्रिया करने गए बुजुर्ग की हुई मौत, नदी में पैर फिसलने से नदी में गिरने से बुजुर्ग की मौत। और अयोध्या में तेज रफ्तार स्कूल वैन खंबे को मारी टक्कर, स्कूल वैन में सवार तीन बच्चे घायल। अयोध्या में विश्व हिंदू सेवा संघ देश भर में हिंदुओं को संगठित करने के लिए शुरू किया अभियान, हिंदुओं की रक्षा के लिए समर्थन का किया मांग। अलीगढ़ में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से दो बच्चों की हुई मौत, चार घायल, घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। और अयोध्या में त्योहारों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त, पैदल मार्च किया, सभी थानों को किया गया अलर्ट। बदायूं में दिखा कुदरत का करिश्मा, गिरा हुआ पाकड़ का पेड़ जमीन से उठकर अपने आप सीधा खड़ा हो गया, लोगों ने आकर पूजा अर्चना मांगी मन्नत। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर, इनोवा कार ने एक सवारियों से भरी टेम्पो को मारी टक्कर। देवरिया पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में सूचना आयुक्त ने 130 मामलों को सुना, आरटीआई के तहत 2 माह में 48 अधिकारियों पर लगाया गया 12 लाख का जुर्माना। फरुखाबाद में सपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की हत्या की साजिश रचने में 2 पर मुकदमा दर्ज, पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 2 को जुर्माना सहित 3.5 साल की कैद, पॉस्को एक्ट के तहत हुई सुनवाई। मथुरा में यात्रियों से भरी बस यमुना एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकराई, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, एक की मौत। प्रतापगढ़ में मौत के दावत दे रहा है कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, तालाब में परिवर्तन हुआ विद्यालय, मस्ती करते दिखे बच्चे। प्रयागराज में संगम नगरी के युवा की पहल, मलिन बस्ती की महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू किया सैनिटरी पैड बैंक। रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान बिलासपुर पुलिस ने 2 पिस्टल 2 तमंचे के साथ 5 युवकों को किया गिरफ्तार। संभल में ग्रामीणों ने शुगर मिल पर लगाया गंभीर आरोप, शुगर मिल के जल प्रदूषण से बढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस सी के मरीजों की हो रही लगातार मौत। लखनऊ में तहसील बीकेटी के लेखपाल पर लगा शारीरिक शोषण का आरोप, लेखपाल ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर 12 साल तक किया यौन शोषण। अमेठी में सिपाहियों के रिश्वत मांगना पड़ा भारी, एसपी डॉक्टर इलामार ने एसओजी के 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। अयोध्या में जिला अस्पताल में दिखा मनमानी का आलम, अस्पताल के सर्जन एक मनमाने तरीके से कर रहे काम, मरीजों को देखते हुए वीडियो वायरल। गुना में शिक्षकों को राजनीति में दस्तक देना पड़ सकता है महंगा, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 1 हफ्ते के भीतर जांच कर मांगा स्पष्टीकरण। ग्रेटर नोएडा में बंदूकधारी बदमाशों ने 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़, आधे घंटे तक जमकर मचाया उत्पात, सूचना देने के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी चोरों की दहशत से अपने गांव की रखवाली करते ग्रामीणों ने हो रही चोरियों की रोकथाम के लिए मुख्य रास्ते पर लगाए बैरियर। कानपुर चलते सदन में भिड़े कांग्रेस के 2 वरिष्ठ पार्षद, एजेंडे के विचार विमर्श के दौरान हुई जमकर कहासुनी, बजट पेश होने पर हुई नोकझोंक। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी गैंगस्टर सिराज घायल, सुल्तानपुर सहित लखनऊ में दर्ज है 2 दर्जन मुकदमे। उन्नाव में किन्नर की हत्या से हड़कंप, सिर पर धारदार वस्तु से वार कर किन्नर की हत्या की गई, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोंडा में फिर से दिखा तेंदुए का आतंक, तेंदुए के दहशत से आसपास के कई गांवों में लोग डरे सहमे जुटकर रात को निकलते बाहर। भदोई में एंटी रोमियो टीम ने चलाया अभियान, विभिन्न क्षेत्रों में छात्राओं और महिलाओं को किया जागरूक। पीलीभीत में नाबालिग छात्रा को छेड़ना पड़ा भारी, स्कूल के बाहर युवक की जमकर हुई पिटाई, होमगार्ड ने भी मारे थप्पड़।
बिजनौर में युवक की पीट पीट कर हत्या, मामूली विवाद में चार लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला, इलाज के दौरान मौत। शाजापुर में वाहनों का फर्जी बीमा करने वाला गिरफ्तार, पुरानी बीमा पॉलिसी को एडिट कर तैयार करता था फर्जी पॉलिसी। हाथरस में बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे ताजी एडीएम का निर्देश, परमिशन के लिए थाने में देनी होगी सूचना, स्वयं सेवकों की होगी तैनाती। नगर पंचायत डुमरियागंज के सीमा विस्तार के फैसले का स्वागत है, हिंदू युवा के प्रदेश प्रभारी ने सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। सांसद निरहुआ के नाम खून से लिखा पत्र, छात्र बोले चुनाव जीतने के बाद अहीर रेजिमेंट के गठन की बात कही थी, पीएम से बात कब करेंगे। शादी के सपने दिखाकर मैरिज ब्यूरो में ठगी, मेरठ में कुंवारी बनकर लड़कों से वसूलती थी शादीशुदा महिलाएं, फिर कहती थी जोड़े अच्छे नहीं। कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी, हाथरस की घटना के बाद हुई अलर्ट, जगह जगह लगाए गए बैरियर। हापुड़ में न्यायालय की मांग को लेकर बनाई मानव श्रृंखला, अधिवक्ताओं ने तहसील चौराहे पर लगाया जाम, लोगों को हुई परेशानी। ललितपुर में सड़कें बनी तालाब, लोग बोले गाड़ी छोड़कर पैदल भी नहीं चल पाते हैं, तीन साल से यही हाल है। अमरोहा में तिगरी गंगा में 40 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर, बिजनौर बैराज 55,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। रिश्वत लेते डूडा कर्मी का वीडियो वायरल, मेरठ में पीएम आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर डूडा कर्मचारी ने ली रिश्वत। सुल्तानपुर में गूंजी या हुसैन की सदाएं, शिया समुदाय ने निकाला आगाज मुहर्रम का जुलूस, कल से 10 दिनों तक चलेगा मजलिशों का दौर। हाथरस में रालोद प्रत्याशी समेत 50 लोगों पर मुकदमा, पंचायत उपचुनाव के लिए बिना अनुमति स्कूल में की सभा, प्रबंधक पर भी केस। फाइल नहीं देने वाले दो सचिवों पर दर्ज होगा केस, बेरू आरबारी के आदर और चिलकरहर में वीरपुर का मामला। बुलंदशहर में बाप बेटे ने मिलकर युवक को मारा चाकू, स्कूल में हुआ था झगड़ा, घर में मिले चार हथगोले, युवक की हालत नाजुक। आजमगढ़ के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की बड़ी मुश्किलें, जहरीली शराब कांड की विवेचना में आया नाम, 13 लोगों की हुई थी मौत। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।